अगर आपकी डिलीवरी जुलाई और अगस्त में होने वाली है तो ऐसे समय पर आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और घर के कौन से काम नहीं करने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेबी केयर फैमिली पर। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखिएगा कि डिलीवरी के समय आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं। नंबर वन, गुनगुने पानी का सेवन कीजिए। मॉर्निंग में उठकर आप एक गिलास गुनगुना पानी जरूर पीजिए। गर्मियों के समय में गुनगुना पानी पूरे दिन भर पीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मगर आप उठकर मॉर्निंग में गुनगुना पानी जरूर पीजिए। इसी के साथ कोशिश कीजिए रात को सोते वक्त आप गुनगुने पानी से नहाएं। गुनगुना पानी अगर आप नहाने और पीने में इस्तेमाल करते हैं तो इससे नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाते हैं। नंबर टू, ड्राई फ्रूट्स। रात को आपको ड्राई फ्रूट्स को भिगाना है और मॉर्निंग में उठ के ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना है। इनका सेवन करने से भी आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी के चांस है वो बढ़ते हैं। नंबर थ्री, देसी घी। डिलीवरी का समय पास आ रहा है, साथ ही ये मौसम है बारिश का और गर्मी कम है, जिसकी वजह से आप देसी घी का सेवन अच्छे से अपनी डाइट में कर सकते हैं। तो आपको देसी घी अपनी डाइट में जरूर शामिल करना है। तो जो देसी घी है वो आप दूध के साथ रात को ले सकते हैं, रोटियों पे लगा के खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं, सब्जी में डालकर खा सकते हैं। नंबर फोर, अपनी डाइट में आयरन युक्त चीजें जरूर शामिल करें। क्या आप जानते हैं डिलीवरी के समय अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो या हीमोग्लोबिन लेवल कम हो तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम हो जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, इस समय आपको कुछ ऐसी चीजें खानी है जिनमें आयरन की मात्रा अच्छी हो। इसके लिए आप गाजर का जूस ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां ले सकते हैं, दालों का सेवन कर सकते हैं और आयरन की जो टैबलेट्स डॉक्टर आपको देते हैं उसका भी सेवन कर सकते हैं। तो आयरन युक्त चीजें अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए, साथ ही खजूर का आप सेवन कीजिए। खजूर में आयरन की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है और वो नॉर्मल डिलीवरी में भी आपकी बहुत अच्छी हेल्प करता है। नंबर फाइव, प्रोटीन की कमी। आपके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए, साथ ही विटामिन अच्छी मात्रा में होने चाहिए। आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए। डिलीवरी से पहले अगर आपके बॉडी में कमजोरी हो रही है, आपका वजन सही से नहीं बढ़ रहा या आपके शरीर में किसी और मिनरल्स की कमी है तो इससे भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम हो जाते हैं। नंबर सिक्स, आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो। अगर आपके शरीर में पानी की कमी होती है तो इससे सीधा सीधा असर आपकी नॉर्मल डिलीवरी पर पड़ता है, नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपके शरीर में पानी की कमी होगी तो बच्चे के चारों ओर जो एमनियोटिक फ्लूड होता है उसमें भी कमी हो जाएगी। नंबर सेवन, दूध। अपनी डाइट में दूध जरूर शामिल कीजिए। दूध में घी डालकर ले सकते हैं, दूध में केसर डाल के ले सकते हैं, किशमिश मुनक्के डाल के ले सकते हैं, खजूर को दूध में पका के खजूर का सेवन उसका सेवन कर सकते हैं। इन सारी चीजों से नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ते हैं और आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलता है। आखिर के टाइम पे आप लड्डू बनाकर ले सकते हैं, आप हलवा खा सकते हैं। आपको जो भी चीज पसंद है आप वो जरूर खाइए, मगर इस बात का ध्यान रखें कि बहुत अधिक मसालेदार या बहुत अधिक लाल मिर्च का आपको इस्तेमाल नहीं करना। बाहर का कोई भी अनहेल्दी फूड नहीं लेना। हल्का भोजन लीजिए मगर वो भोजन पोषक तत्वों से भरपूर जरूर हो। साथ ही चाय अगर आप पीते हैं तो प्लीज उसको भी अपनी डाइट में शामिल मत कीजिए। डॉक्टर के पास जाके अल्ट्रासाउंड जरूर कराइए, बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन ली है या नहीं ली है इस चीज को चेक कराइए। साथ ही जो जरूरी टेस्ट डॉक्टर आपके करेंगे उनको कीजिए। आपका बीपी डाउन नहीं रहना चाहिए, बीपी बहुत हाई नहीं रहना चाहिए। आपके शरीर में आपका वजन जो है वो कम नहीं रहना चाहिए, सूजन आपकी बॉडी में ना हो, आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल हो, साथ ही बच्चे का जो वजन है, जो बच्चों की ग्रोथ है वो अच्छे से हो रही है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ लेबर पेन की जो जानकारी है वो आपको रखनी है, डिलीवरी बैग रेडी करके रखना है और ऐसे समय पर अकेले नहीं रहना, किसी ना किसी को अपने साथ जरूर रखिए। लेबर पेन के कोई भी सिम्टम्स आपको दिखें तो तुरंत डॉक्टर के पास जरूर जाएं। घर के अगर आप जब काम करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी काम ऐसा ना हो जिसमें आपको बहुत भारी वजन उठाना हो या सीढ़ियों में बार बार चढ़ना उतरना हो, आप बहुत हैवी कपड़े ना धो रहे हो, आप बहुत भारी काम या किसी चीज के नीचे झुक कर काम ना कर रहे हो या किसी चीज के ऊपर चढ़कर किसी ऊपर सफाई ना कर रहे हो। इसी के साथ घर में जब खाना बनाए तो इस बात का ध्यान रखें कि बहुत अधिक देर तक एक ही पोजीशन में ना ही खड़े रहना है ना ही बैठना है, तो जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन चेंज करनी है। साथ ही आप योगा एक्सरसाइज और वॉक जरूर करें। एक्सरसाइज आप डॉक्टर की परमिशन लेकर ही करें
और योगा आप ब्रीथ इन एक्सरसाइज करिए, गहरी सांस लेना, गहरी सांस छोड़ना, कपाल भारते, इस तरीके के जो ब्रीथिंग योगा होते हैं, व्यायाम होते हैं, उनका आप सहारा जरूर लीजिए। इससे जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर लिखिए। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। यूट्यूब या फेसबुक पर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से जुड़ी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहें। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।